जीवन में कला का अत्यधिक महत्व है। कला के बिना हमारा जीवन नीरस है। संगीत नृत्य से जो सुख की अनुभूति होती है उससे हमारी दुख और परेशानी दूर हो जाती है। बच्चों में इसी कला का कौशल को और अधिक विकसित करने के लिए पटना सिटी के इन्फेंट जीसस स्कूल के प्रांगण में संगीत और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम वर्ग से पंचम वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का शुभ आरंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर नीतू कुमारी लोक गायिका ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर विद्यालय के निदेशक पास्कल पीटर ओस्ता, प्राचार्य रंजन जोसफ एवं अन्य कई गणमान्य लोग शामिल थे। देखिए, आज इन्फेंट जेसिस स्कूल में जो कंपटीशन हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि स्कूल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और बच्चों में पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त भी जो अन्य रचनात्मक चीज़ें हैं उनके अंदर का जो हुनर है वो इन्हीं प्रतियोगिताओं के जरिए सामने आ सकता है। और मैं देख रही हूँ कि बच्चे काफ़ी उत्साही हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। कई बार तो हम लोगों को यह डिसाइड करना मुश्किल हो जा रहा है कि किसे फर्स्ट, किसे सेकंड और किसे थर्ड दिया जाए। तो जो स्कूल का के डायरेक्टर का जो स्पीच था आज बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, हार और जीत बहुत मायने नहीं रखती। और इसके साथ मैं भी यह प्रेरणा देना चाहती हूँ, यह बोलना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से और दर्शकों से कि इस तरह का मौका जब भी आपके स्कूल में मिले तो आप सामने आइए, अपने को दिखाइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बड़े संकोची होते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सामने आकर स्टेज पर परफॉर्म कर सके। इसलिए मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी टैलेंट है आप में, आप ज़रूर सामने आइए और अपना हुनर लोगों के सामने लाइए। धन्यवाद। आप अपना परिचय। मैं नीतू कुमारी, नवगीत, लोक गायिका एवं स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर। मैं इन्फेंट जीसस स्कूल में मैं प्राचार्य हूँ, रंजन जोसफ। मैं बस ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे अगर पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमको डांस में, हमको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उनको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मान लीजिए आपका बच्चा बहुत अच्छा 10 साल बाद अच्छा जॉब करता है, लेकिन अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी वो नहीं कर पाता तो उसको बहुत सारा परेशानी हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा आगे आना चाहता है तो ये मत सोचिए, क्योंकि आजकल जो सोसाइटी है हमारी बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है। पहले ऐसे था 20 साल 25 साल पहले कि मान लीजिए कोई डांस कर रहा है या फिर कोई म्यूज़िक में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और लोगों की अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आजकल ये भी करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर कोई बच्चा सही में बहुत अच्छा है तो उसको आप प्रोत्साहित कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी चल सकता है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आगे अगर और भी कॉम्पिटिशन होता है, रेगुलरली हम लोग स्कूल में होता है, बाहर भी जाते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स से यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके से उनका कोऑपरेशन रहे और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें। एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। थैंक यू।